सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। वेल, पोकेमॉन जर्नीज में एश के साथ एक और मेन कैरेक्टर है जो कि है गो, और गो ने अभी तक काफी सारे पोकेमॉन पकड़ लिए हैं। एंड आज हम देखने वाले हैं गो के बारे में 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट। सारे फैक्ट्स काफी ऑसम और यूनिक होने वाले हैं, जिनमें से ज्यादातर फैक्ट्स आपको पता भी नहीं होंगे। तो हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। एंड अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर वन के साथ। फैक्ट नंबर वन, तो जैसे रियल वर्ल्ड में कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, वहीं पे कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, और ऐसे ही पोकेमॉन में भी कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड है, वहीं पे कुछ लोग राइट हैंडेड है। बट क्या आपको पता है, हमारा गो लेफ्ट हैंडेड है और वो अपने ज्यादातर काम लेफ्ट हैंड से करता है। फैक्ट नंबर टू, वेल, अगर आप पोकेमॉन जर्नीज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि गो पोकेमॉन से बिना फाइट किए उनको काफी इजीली पकड़ लेता है, जबकि पोकेमॉन को कैच करने के लिए हमको सबसे पहले उनकी एचपी कम करनी पड़ती है। तो हाँ, आपने कभी न कभी सोचा होगा कि गो इतने इजीली पोकेमॉन्स को कैसे पकड़ लेता है। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि गो बेस्ड है पोकेमॉन गो गेम पे, जिसका पता आप लोग गो के नाम से भी लगा सकते हो। एंड इस गेम में आपको बिना फाइट किए पोकेमॉन्स को पकड़ना होता है पोकेबॉल फेंक के, और इवन गो में और पोकेमॉन गो के मेल कैरेक्टर में भी काफी सारे सिमिलैरिटीज हैं। और पोकेमॉन गो में आप जितना परफेक्टली पोकेबॉल को थ्रो करोगे, उस हिसाब से आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, जैसे कि नाइस, ग्रेट या फिर एक्सीलेंट। और पोकेमॉन कैच करने के बाद गो का पॉकेटेक्स भी इसी तरीके के स्टेटमेंट देता है। तो हाँ, यही रीजन है कि गो इतना इजिली पोकेमॉन्स को कैच कर लेता है। फैक्ट नंबर थ्री, अब ऐश के काफी सारे ट्रैवलिंग कंपेनियंस हैं, जैसे कि सरीना, मिस्टी या फिर ब्रॉक। एंड आप में से काफी लोग गो को भी ऐश का एक ट्रैवलिंग कंपेनियन मानते होंगे, बट गो के बारे में कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया है कि वो ऐश का एक ट्रैवलिंग कंपेनियन है, और हर जगह उसको मेन कैरेक्टर बताया गया है, या फिर ऐश के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बताया गया है पोकेमॉन एनिमे का। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है गो पोकेमॉन एनिमे का सबसे पहला ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसने किसी पोकेमॉन के रेगुलर फॉर्म और रीजनल फॉर्म दोनों को पकड़ा हो, और वो पोकेमॉन एग्जीक्यूटर। गो ने एक रेगुलर एग्जीक्यूटर को भी पकड़ा है और साथ में अलोलन एग्जीक्यूटर को भी पकड़ा है। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है ऐश के बाद गो सबसे पहला ऐसा मेन मेल कैरेक्टर है जिसने किसी शाइनी पोकेमॉन को कैच किया हो या फिर किसी पोकेमॉन को रिलीज किया हो, क्योंकि गो ने पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड मैड अबाउट ब्लू में एक शाइनी वोल्टॉर्ब को पकड़ा था, और गो ने दो पोकेमॉन को रिलीज किया है। सबसे पहला है फ्लोवेट एंड सेकेंड है अलोलन नाइनटेल्स। और फैक्ट नंबर सिक्स, तो गो मेनली पोकेमॉन गो गेम पे बेस्ड है, बट गो एक बैकपैक भी कैरी करता है, और वो बैग बेस्ड है पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के मेन कैरेक्टर यानी कि विक्टर के बैग पे। एंड आप लोग साइड बाय साइड देख भी सकते हो, दोनों बैग काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है गो पोकेमॉन एनिमे का सबसे पहला ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसने किसी जायंट पोकेमॉन को कैच किया हो, एंड वो पोकेमॉन है गो का मैजिक आप, जो कि नॉर्मल मैजिक आप से ज्यादा बड़ा है। और गो पोकेमॉन एनिमे का सबसे पहला ऐसा मेन कैरेक्टर भी है जिसने किसी प्योर डार्क टाइप पोकेमॉन को पकड़ा हो, जो कि एप्सोल है, एंड उसके पास एक हिडन एबिलिटी रखने वाला पोकेमॉन भी है जो कि है डार्मेनिटन। फैक्ट नंबर एट, क्या आपको पता है गो अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड के सारे टाइपिंग यानी कि 18 टाइपिंग के पोकेमॉन्स को पकड़ चुका है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन में, एंड उसके पास अभी तक ऐश से ज्यादा पोकेमॉन्स हो चुके हैं। और हाँ, एक और फैक्ट ये है कि गो अभी तक सारे रीजन्स में ट्रैवल कर चुका है पोकेमॉन जर्नीस में। और फैक्ट नंबर नाइन, क्या आपको पता है गो सबसे पहला ऐसा मेन कैरेक्टर है पोकेमॉन एनिमे का जिसके पास एक से ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन हो, क्योंकि गो ने सबसे पहले इटरनेटस को पकड़ा था जो कि आगे जाके सील हो जाता है, बट फिर भी वो गो का पोकेमॉन है, और आगे जाके गो ने हीलिंग द हीलर नाम के एपिसोड में स्वीकून को भी कैच कर लिया, और इसी के साथ गो ने दो लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच किया है जो कि ऐश के किसी भी फ्रेंड ने नहीं किया है अभी तक। और फैक्ट नंबर 10, तो पोकेमॉन एनिमे में हर एक पोकेमॉन को 2D एनिमेशन के साथ दिखाया जाता है, बट क्या आपको पता है गो के पास एक ऐसा पोकेमॉन है जिसको 3D एनिमेशन में दिखाया गया है, और वो पोकेमॉन है गो का इटरनेटस, जिसके साथ वो इकलौता पोकेमॉन है पोकेमॉन एनिमे का जिसको 3D एनिमेशन के साथ दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, वेल, आपको ये तो पता होगा कि गो ने अभी तक दो लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच किया है जो कि है स्वीकून और इटरनेटस, बट क्या आपको पता है जिस एपिसोड में गो ने इन दोनों पोकेमॉन को कैच किया था, उस एपिसोड के बाद से ये दोनों पोकेमॉन अपियर ही नहीं हुए हैं, यानी कि स्वीकून हीलिंग द हीलर एपिसोड के बाद से अभी तक किसी भी एपिसोड में अपियर नहीं हुआ है, और वहीं पे इटरनेटस द लेजेंड्स अवेकन एपिसोड के बाद से अभी तक किसी भी एपिसोड में अपियर नहीं हुआ है। हाँ, हमें वो एक बार फ्लैशबैक में दिखाया गया था, बट फिजिकली वो अभी तक अपियर नहीं हुआ है।
फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है गो के जापानीज वॉइस एक्टर डाइकी यामाशीटा हैं, और इन्होंने एक इंटरव्यू में गो के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई थी, जहां पे उन्होंने ये बताया था कि गो भले ही एक मेल कैरेक्टर है बट उसके अंदर कुछ फीमेल्स के भी फीचर हैं, यानी कि उसकी डिजाइन मेल और फीमेल दोनों कंबाइंड करके बनाई गई है, और इसी वजह से गो की आईज भी थोड़ी फीमेल टाइप की लगती है, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है गो एश के बाद सबसे पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसने किसी एक एपिसोड में एक से ज्यादा पोकेमोन को कैच किया हो, और इसका कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, वो ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में एक से ज्यादा पोकेमोन को ही कैच करता है, और आपको याद होगा कि एश ने एक एपिसोड में 30 टॉरस पकड़े थे। एंड हाँ, गो एक लौता ऐसा कैरेक्टर भी है जिसने एक ही एपिसोड में अलग अलग स्पीशीज के एक से ज्यादा पोकेमोन को कैच किया हो, क्योंकि एश ने 30 सेम पोकेमोन को पकड़ा था जो कि थे टॉरस, और गो ने अलग अलग पोकेमोन को कैच किया है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है गो एश का इकलौता ऐसा फ्रेंड है जिसने एक पर्टिकुलर रीजन के तीनों स्टार्टर्स को कैच किया हो, एंड ऑफ कोर्स ये आपको पता होगा कि गो ने जेन 8 यानी कि गला रीजन के तीनों स्टार्टर्स को कैच किया है। सबसे पहला स्कोर बनी जो कि इवॉल्व हो चुका है सिंड्रेस में, एंड सेकंड है सॉबल जो कि इवॉल्व हो चुका है इंटेलियन में, और थर्ड पोकेमोन है ग्रूकी। और फाइनली फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 103 में गो ने एक फ्रोकी को कैच किया है, जो कि ऑफ कोर्स हम सब नहीं चाहते थे, क्योंकि फ्रोकी फुली इवॉल्व होकर ग्रीनिंजा बनता है, जो कि एश का एस पोकेमोन रह चुका है कैलोस रीजन में, और अभी एश का ग्रीनिंजा भी रिटर्न आने वाला है, तो हो सकता है कि गो एश के ग्रीनिंजा की स्पेशल पावर्स देख के इम्प्रेस हो जाए, और फिर हो सकता है कि गो का फ्रोकी एश के ग्रीनिंजा से इंस्पायर होकर वैसा ही बने, बट इसके काफी कम चांस है कि वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाए। वेल, वीडियो एंड करने से पहले एक बोनस फैक्ट, क्या आपको पता है पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड 32 यानी कि टाइम आफ्टर टाइम एक लौता ऐसा एपिसोड था जहां पे एश और पिकाचू को कहीं पे भी फीचर नहीं किया गया था, यानी कि एश और पिकाचू पूरे एपिसोड में थे ही नहीं, और इस एपिसोड में मेनली गो और उसके पुराने फ्रेंड को दिखाया गया था। वेल गाइस, ये था आज के इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।